हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। गाइज, आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, हम कतर के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। आप लोगों को बताया कि जैसा कि अभी जो माहौल चल रहा है, कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ। और मतलब काफी टाइम से चल रहा है। जो भी रहता है गाइज, जितने भी वर्ल्ड कप रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, और भी अलग अलग वर्ल्ड कप रहते हैं, तो वहाँ दो चीजें सबसे ज्यादा फेमस हो रहती हैं, एक शराब और एक सवाब। और आप लोगों को दोनों चीजें पता है, शराब सबको पता है, सवाब यानी कि जो चीयर्स लीडर, जो चीयर गर्ल्स जो रहती हैं, जो कि जैसे कि आईपीएल में रहता है चौका छक्का हो जाए तो थोड़ा शॉर्ट ड्रेसेस पहन के वो जश्न मनाती हैं, ऐसे कुछ गुब्बारे से हाथ में लेके नाचती हैं, और बहुत सारी लड़कियां मॉडल्स वॉडल्स उसके अंदर दिखाया जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए। और दारू तो मतलब ऐसे उड़ती है ना कि पूछो मत। लेकिन मुस्लिमों के लिए दारू बहुत ज़्यादा हराम है, और ये सब मनोरंजन की चीज़ें भी उनके लिए हराम होती हैं, और इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ये सब बहुत सारी चीजें बैन रहती हैं। तो कतर एक इस्लामिक कंट्री है और मुस्लिम ज्यादातर लोग वहां पर मुस्लिम हैं। तो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो वहां के जो कतर के जो प्रिंस हैं, एक तरीके से प्रेसिडेंट बोल सकते हो, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी फीफा वर्ल्ड कप वालों के साथ। हम एक ही शर्त पे यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप करा सकते हैं, आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो वो शर्तें कुछ ऐसे थी, क्योंकि मैंने न्यूज में पढ़ा था कि ना तो आप वर्ल्ड कप खेलो, फीफा वर्ल्ड कप खेलो, अच्छे से खेलो, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके अंदर शराब नहीं होगी, सवाब नहीं होगा, कोई भी ऐसे गलत काम कांड नहीं होने चाहिए। तो और सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा वीडियो होगा उम्मीद है हमको। गाइस प्लीज जरूर वीडियो को एंड तक देखें, और आपकी पसंद के और रिएक्शन वीडियो आप चाहते हैं अलग अलग वीडियोस पे, तो हमें कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा हम आपके कमेंट्स पे रिएक्शन करेंगे आपकी वीडियोस पे। और कभी कभी कमेंट्स ना भी देख पाए तो reactionbaba.official हमारा इंस्टाग्राम है, तो आप हमें वहां मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गाइस आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया भर में जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहां पर हर कौम, नस्ल और मजहब के लोग दुनिया भर से शामिल होते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाले मुल्क को इससे अच्छी खासी आमदनी होती है। ये तो है। लिहाजा इन टूरिस्ट की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें खुश करने के लिए अपने मुल्क या कल्चर के अंदर कोई भी बदलाव करना ये मुल्क कोई ऐब नहीं समझते। मुस्लिम अरब दुनिया की मिसाल लें तो इस वक्त सऊदी अरेबिया इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, जिसे हर गुजरते वक्त के साथ वेस्टर्न कल्चर के अंदर बदला जा रहा है। पर सलाम है कतर को, जिसने पूरी दुनिया के प्रेशर को ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम सिर्फ 28 दिनों के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा के इवेंट के लिए अपने मजहब और कल्चर के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। वेस्टर्न कल्चर की तरह किसी भी किस्म के टाइट और वल्गर किस्म के लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी शख्स यहाँ पर शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई हम जिंस परस्त अपना झंडा नहीं लहराएगा, और ना ही कोई ऐसी हरकत करेगा जो कि इस्लाम और हमारे कानून के खिलाफ हो। अगर ये सब कानून कबूल हैं तो कोई भी शख्स इसे देखने के लिए हमारे मुल्क के अंदर आ सकता है, वरना हमें किसी की ज़रूरत नहीं। और हमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मौशी तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के इंतजाम पर अब तक हम $229 बिलियन लगा चुके हैं। इतना ज्यादा पैसा जितना दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की टोटल जीडीपी भी नहीं है। पूरी वेस्टर्न दुनिया ये सुन ले कि हम अपने मजहबी कानून पर किसी भी तरह का कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कतर में कुछ मखसूस बार्स पर अल्कोहल वैसे तो गैर मुस्लिमों के लिए दस्तयाब होती है, लेकिन इसे पब्लिक के अंदर पीना अलाउ नहीं। इस वर्ल्ड कप में भी इस कानून को 10 लाख लोगों के कहने पर भी नहीं बदला गया, हालांकि कतर की खुद की टोटल आबादी 30 लाख भी नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट के साथ कतर का यह वर्ल्ड कप अब तक दुनिया का ऑर्गेनाइज किया जाने वाला सबसे महंगा तरीन इवेंट होगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया के अंदर जितने भी फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाए गए, अगर उनका टोटल का बजट निकालें तो वो सब मिलकर भी कतर के $229 बिलियन के बराबर नहीं बनता। फीफा वर्ल्ड कप पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जो कि आज संडे से शुरू हो रहा है। यह मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जिसका आगाज चेयर लीडर्स के डांस, गाने और किसी वल्गैरिटी से नहीं बल्कि हाफिज़े कुरान बच्चों की कुरान पाक की तिलावत से किया गया, जिसे सारी दुनिया ने सुना। ऐसे स्टार्ट हुआ था कुरान से, अज़ान से। इस वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और 2010 के अंदर जब कतर के पास इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए राइट्स आए तो पूरी दुनिया हैरान थी कि इतना छोटा सा मुल्क इतने बड़े इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, जिसकी आबादी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से भी कम है।
मगर देखते ही देखते इस 12 साल के अरसे के अंदर कतर ने नए फुटबॉल स्टेडियम्स के साथ साथ एक पूरा नया शहरी बसा दिया और 8 नए स्टेडियम बनाकर कई नए रोड्स, मेट्रो स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होटल समेत देखते ही देखते कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया ताकि लाखों शायकीन के रहने, खाने पीने और कतर में घूमने का बंदोबस्त हो सके। और ऐसा भी नहीं है कि कतर ने $229 बिलियन की रकम सिर्फ और सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने पर लगा दी है, बल्कि दरअसल ये इसके वीएन 2030 प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसके मुताबिक 2030 तक कतर को अपने मुल्क को मजीद तरक्की याफ्ता और डेवलप बनाना था दुबई से भी ज्यादा, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट अपना कल्चर इनको ना सिखाएं बल्कि इनके इस्लामी कल्चर को सीख कर पूरी दुनिया में इस्लाम का असल चेहरा पेश करें। सो अगर हम ये कहें कि कतर इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कतर की क्योंकि खुद कोई फुटबॉल टीम नहीं है और ना ही इससे पहले यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, लिहाजा इस वर्ल्ड कप के बाद ये स्टेडियम्स यकीनन बिल्कुल वैरान हो जाएंगे, मगर फिर भी कतर इससे इतना प्रॉफिट कमा लेगा कि फ्यूचर के अंदर भी फायदे में रहे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से कई हफ्ते पहले ही कतर के एयरपोर्ट्स पर दूसरे मुल्कों से आने वाले कमर्शियल जहाज़ों का एक रश्ता पड़ गया है, जैसा कि आप फ्लाइट मैप में देख सकते हैं। दुनिया भर से फुटबॉल के लाखों फैंस, बिजनेस कम्युनिटीज और टूरिस्ट कतर पहुँच रहे हैं, लिहाजा इस टूरिज्म और वर्ल्ड कप से कतर को अरबों डॉलर का फायदा पहुंचेगा। सिर्फ फुटबॉल फैंस ही नहीं बल्कि 5 अरब लोग टेलीविजन की स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर कतर और इस्लाम की सकाफत को लाइव देखेंगे और इन तक इस्लाम का असल चेहरा पहुंच सकेगा, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशतगर्दी से जोड़ रखा है। और बिल्कुल यही वजह है कि कतर को इस वक्त अमेरिकन और यूरोपियन मुल्कों की तरफ से बहुत सी कंट्रोवर्सीज का सामना है, तरह तरह के ओथे अचकंडों से इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के इस्लामी कानून बहुत ही सख्त और हत्ता के इंसानी हकूक के भी खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपनी मर्जी से घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, उन्हें आज़ादी नहीं कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने। इससे बड़ी हिपोक्रेसी वेस्टर्न दुनिया की भला क्या हो सकती है कि ये खुद कहते हैं कि हर शख्स को हमारे मुल्क के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना और इसकी रिस्पेक्ट करना लाजमी है। हमारी मर्जी है कि हम अपने मुल्क के लिए जो मर्जी कानून बनाएं, किसी और मुल्क को ये इख्तियार नहीं कि इसमें किसी भी तरह की मदाखलत करे। लेकिन जब किसी मुस्लिम मुल्क की बारी आती है तो इन्हें इस बात पर अच्छी खासी तकलीफ शुरू हो जाती है, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है फ्रांस। आप जानते हैं कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर बुरके को बैन कर दिया गया, मुसलमानों को मजहबी तौर पर हरेसमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस की हुकूमत का कहना था कि ये हमारे मुल्क के कानून है, किसी भी और मुल्क को इस पर बात करने का इख्तियार नहीं। लेकिन यही मुल्क अपने एक मैगजीन के अंदर बाकायदा दाढ़ियों वाले मुसलमान दिखाकर, जिन्होंने कंधों पर बंदूकें पहन रखी हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैश्य मुसलमान अब वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, जिनका काम ही है बस मार काट करना। आप देख सकते हैं कि ये मुसलमान जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, कतर की शर्ट्स पहने एक सराह के अंदर खड़े हैं, यानी आप देखें कि इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि एक मुस्लिम मुल्क अपने कानून के मुताबिक इस वर्ल्ड कप को होस्ट करे। और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया बार बार जानबूझकर कतर अथॉरिटी से उलझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया को पैगाम दें कि इस मुल्क के अंदर मीडिया तक को खुलेआम सड़क पर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं, ये इतना कंजर्वेटिव मुल्क है या फिर इस्लाम इतना रेडिकल मजहब है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि जिन कतर अथॉरिटीज़ को ये पता हो कि कोई शख्स किसी पब्लिक रिलेशन पर इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहा है तो इन्हें इस चीज़ पर एतराज़ ही क्या होगा, क्योंकि एतराज़ है सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया। वेस्टर्न मुल्कों को ये आदत पड़ चुकी थी कि वो मुसलमानों को जाहिल और खुद से कमतर समझते आ रहे थे, इन पर हर तरह से अपने रूल्स रेगुलेशन जबरदस्ती मनवाया करते, मगर अब जब के कोई इस्लामी मुल्क पहली बार इनके सामने वाली लाइन के अंदर आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है तो इनसे ये कैसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए ये सब मिलकर इसी इवेंट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर कतर को बदनाम करना चाहते हैं, मगर कतर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो दुनिया भर से आने वाले लोगों को इस्लाम और अल्लाह का पैगाम देना चाहते हैं और यही वजह है कि पूरे दोहा शहर के अंदर जगह जगह पर रसूलुल्लाह की अहदीस और कुरान की तालीमात अरबी और इंग्लिश जबान के अंदर बैनर्स की सूरत में लगा दी गई हैं। होमोसेक्सुअलिटी से मुतल्लिक जब कतर के अमीर से ये सवाल किया गया कि क्या जर्मनी के होमोसेक्सुअल लोग या कपल्स क्या कतर में इस इवेंट को देखने के लिए आ सकते हैं या वो अपने घरों में बैठे हैं, बेसिकली इस सवाल के जरिए मीडिया ने कतर को ट्रिक करने की कोशिश की ताकि दुनिया के अंदर ये तासुर जाए कि इस्लाम इतना कंजर्वेटिव है कि अपने अलावा किसी और कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मगर कतर के अमीर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम किसी को भी अपने मुल्क के अंदर आने से नहीं रोकते, बस सिर्फ शर्त यह है कि जिस तरह से आप बाकी दुनिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमारे कल्चर की भी करें। आप लोग खुद सोचें कि इसके अंदर ऐसी कौन सी पाबंदी है या ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिस पर वेस्टर्न दुनिया को एतराज़ है। एक तरफ कतर जैसा छोटा सा इस्लामी मुल्क गैर मुस्लिम दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हमारे इस्लामी कानून की पाबंदी करो, किसी भी होमोसेक्सुअल को यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं, तो दूसरी तरफ 24 करोड़ आबादी वाले मुस्लिम मुल्क में जॉयलैंड जैसी वल्गर और बेहुदा किस्म की फिल्म को बनाकर सोसाइटी को तबाह किया जा रहा है, जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि एक ट्रांससेक्सुअल मर्द यानी एक असली मर्द ऑपरेशन के जरिए खुद को एक औरत के अंदर बदलता है और एक शादीशुदा मर्द इसके प्यार के चक्कर के अंदर पड़कर इसके पीछे अपना सब कुछ छोड़ देता है।
और यही नहीं बल्कि ये लोग इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामजद करना चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसे कौम लूत की नुमाइंदगी करें जैसे पहले इनके कानून को पास करके इन्हें कानूनी हैसियत दे चुके हैं। कितनी शर्म का मकाम है हमारे लिए। क्या ये इस्लाम पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश करेगा? वैसे तो हम अरब दुनिया की अयाशियों और गलतियों को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ कतर से इख्तलाफात के बावजूद जो कि इसने मुस्लिम मुल्कों पर हमले के अंदर नेटो इतिहाद का साथ दिया, कतर को हम इस अच्छे इनिशिएटिव पर अप्रिशिएट करते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि वेल डन कतर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। भाई का भी चैनल है हसी टीवी, आप देख सकते हैं और वीडियोस देखने हैं तो बहुत अच्छा था। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि वहां पे उन्होंने 10 लाख लोगों से वोटिंग करवाई थी, क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो 10 लाख लोग एग्री कर गए थे इस चीज़ को लेके कि कर लो यार ये सब दारू वारू पार्टी वार्टी ये सब कोई ज़्यादा बात नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि 28 दिन तक फीफा वर्ल्ड कप चलेगा, उसके लिए हम अपने सालों के कानून व्यवस्था को नहीं बदल सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि इस्लाम में ये सब चीज़ें हराम हैं। और इस बार फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मुल्क है, तो लोगों की आंखें चौड़ तो गई हैं क्योंकि एक तरीके से भाई ने जैसा कि बोला कि मुस्लिम लोगों को इस्लाम के लोगों को एक आतंकवादी की नज़र से देखता हुआ आया है हर देश, इंडिया हो फ्रांस हो अमेरिका हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं होते मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ऐसे देशों के, पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे। और ऐसा कोई और वीडियो हमको मिलेगा तो हम जरूर रिएक्शन करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा कोई वीडियो बताएं तो हमें कमेंट करके बताएं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमको बताएं, हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे उस पे गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो था कतर फीफा वर्ल्ड कप की, बहुत अच्छी वीडियो थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइज आप लोग ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।